जीजा जी नहीं देखे नहीं देखे नहीं देखे। तो ये है जीजा जी स्विम कर रहे हैं। ये कैसे स्विम करते हैं देखो, बहुत लंबा स्विम कर लेते हैं यार, मुझे तो इतना नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा हो पाता है। तो मैं हूँ दीपशिखा, स्वागत करती हूँ आपका नए ब्लॉग पे। ये हैं हम लोग ताज विवांता के स्विमिंग सेंटर में। ये वहाँ का स्विमिंग पूल है और कितना सही पूल है देखो। और हम लोग ना सुबह सुबह आ गए यहाँ पे, ताकि इसके बाद अब हम लोग खाना खाने जाएंगे, नाश्ता करने जाएंगे, और नाश्ता ख़त्म ना हो जाए इसलिए मैंने कहा 9 बजे तक तो निकल जाएंगे जल्दी से यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा सनबाथ ले लेती हूँ, उसके बाद फिर नहा लेती हूँ पूल में, उसके बाद फिर अंदर थोड़ा सा स्पा ले लेती हूँ, फिर खाना, फिर नाश्ता करने जाएंगे तो ठीक होगा। और फिर आज निकलना भी है घर के लिए, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक ही रात के लिए आए, बट अच्छे से मौज कर ले, अच्छा लगता है ना। कभी कभी जैसे बाहर चले जाओ ना, जबकि ये मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास में है विवांता, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा होटल फील, कभी थोड़ा VIP ट्रीटमेंट मांगती है बॉडी, तो उसके लिए फिर ऐसे करके निकल जाती हूँ मैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा प्यारा से छतरी काइंड ऑफ लगी है, सो दैट यू कैन सिट इन काम एटमोसफेयर। बहुत ही ज़्यादा काम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है। और सुबह सुबह तो कोई था भी नहीं इतना, कुछ ही लोग थे जो स्विम करने के लिए आए थे, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आए थे इसलिए। और देखो कैसे मैं पानी में जा रही हूँ योगा किया मैंने, थोड़ा बहुत सनबाथ ले लिया, थोड़ा झूला झूल लिया, उसके बाद मैंने कहा पूल में चलती हूँ। बाप रे कितना ठंडा पानी, शुरू में जाने में कितना गड़बड़ लगता है ना। अब ऐसे उतर रही हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा। मुझे स्विम करना नहीं आता है, बहुत 2-3 सेकंड करके मैं रुक जाती हूँ, मुझे डर लगता है एक्चुअली, फोबिया टाइप हो गया, हाइड्रोफोबिया। तो इस तरीके से फिर मैं मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है कहीं पूल, बट इतना ज़्यादा गहरा नहीं था। और देखो कितने मज़े आ रहे हैं, कितने मज़े आ रहे हैं। इसमें भी सनबाथ ले रही हूँ, थोड़ा बॉडी ना रिलैक्स हो जाती है, वाटर ट्रीटमेंट मिलता है तो। और यहाँ पे जो छतरी लगी हुई थी, यहाँ का जो काम एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा मन को खुश करने वाला था। ये देखो भाई कितना सही व्यू लग रहा है ना। और अभी धूप खिली ही थी, तो सुबह सुबह की जो धूप होती है उससे बॉडी में मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए हमें, क्योंकि उस समय कुछ पॉल्यूशन भी नहीं होता है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है सूरज में, तो उस समय की धूप हमें ज़रूर लेनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और देखो तैरते तैरते मैं कहाँ पहुँच गई, धीरे धीरे थकते थकते इधर पहुँच गई हूँ। और मुझे बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा लगता है, नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। और आते रहना मेरे वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा वीडियो देखा और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। ठीक, और मैं यहाँ पे नहा धो के निकल गई हूँ, टी शर्ट भी सूख गई है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे रिलैक्स कर रही हूँ। बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही मस्त है, पहन का थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। इसके बाद नाश्ता करना है और सीधे घर को निकलना है, वही डेली रूटीन फिर से चालू हो जाएगा जीवन में। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, आगे भी बने रहना, और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।